तो दोस्तों आज मेरे पास है रेडमी का मोबाइल फ़ोन आया है, और इस रेडमी का मोबाइल फ़ोन का रेडमी टेन, इस रेडमी टेन मोबाइल फ़ोन के अंदर प्रॉब्लम है कि इस मोबाइल फ़ोन के अंदर FRP लॉक लगा है। तो इस FRP लॉक को हम लोग कैसे तोड़ेंगे उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात देखिए, FRP लॉक क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। आप ऐसे जाएंगे, आपके स्क्रीन में से सॉफ्टवेयर खुलेगा, नेक्स्ट किया, ये हमारे मोबाइल फ़ोन में FRP लॉक लगा है। इस FRP लॉक को हम लोग क्या करेंगे, तोड़ने वाले हैं। पासवर्ड तो लगा हुआ है, स्किप कर दिया, क्योंकि रेडमी के जितने मोबाइल फ़ोन आते हैं उनको आप हार्ड रीसेट आसानी से कर सकते हैं। हार्ड रीसेट करने के बाद हम लोग अपने इसमें जाएंगे, तब तक मैं यहाँ पर सॉफ्टवेयर को खोल लेता हूँ। कौन से सॉफ्टवेयर से करने वाले हैं ये भी मैं आपको तरीका बता देता हूँ। ये देखिए, इस मोबाइल फ़ोन के अंदर ये FRP लॉक लगा है। इस FRP लॉक को तोड़ने के लिए सबसे पहले काम क्या करना पड़ेगा, इस मोबाइल फ़ोन को हमको स्विच ऑफ करना पड़ेगा। स्विच ऑफ करेंगे, देखिए जब FRP लॉक लगा होता है ऊपर देखिए लॉक का ऑप्शन भी आता है ऐसे, देखिए अगर आप गौर से देखेंगे लॉक बन के आ रहा है, जब टूट जाएगा तो ये टूट जाएगा। आई एग्री, उसके बाद फिर हमारे पास ये खुल जाएगा। खुलने के बाद हम लोग सबसे पहले बार क्या करेंगे, आप यहाँ पर जाएंगे इरेज FRP ले लेंगे, रीसेट FRP। उसके बाद क्या करेंगे, एग्जीक्यूट कर देंगे। क्या कर देंगे दोस्तों, एग्जीक्यूट। जैसे एग्जीक्यूट करेंगे तो सॉफ्टवेयर आपका एग्जीक्यूट चालू चालू हो जाएगा। और अब आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लस माइनस डाटा केबल लगवाना है। प्लस माइनस डाटा केबल लगाने के बाद इसको डाटा केबल लगाना है, ठीक है ऐसे। ये ओके, ये आपका मोबाइल फोन ले लिया, नजदीक से दिखाइए, ये सॉफ्टवेयर चलेगा, ये आपका मोबाइल फोन रीसेट हो रहा है। नीचे FRP लॉक डन, ये FRP लॉक आपका टूट गया। जैसे FRP लॉक आपका टूट जाएगा तो FRP लॉक टूटने के बाद आपका मोबाइल फोन एक बार बंद होकर तुरंत चालू हो जाएगा आपके सामने स्क्रीन पर। अब हम मोबाइल फ़ोन को पूरा प्रॉपर तरीके से ऑन करेंगे। जैसे प्रॉपर तरीके से ऑन करेंगे तो हमारा हैंडसेट ऑन होगा, और यहाँ पर जो लॉक का ऑप्शन आ रहा था वो भी हट जाएगा, और जो FRP जो ऑप्शन आ रहा था वहाँ पर स्किप का ऑप्शन हाईलाइट हो जाएगा। अगर स्किप का ऑप्शन हाईलाइट हो जाता तो इसका मतलब FRP लॉक टूट गया। ये हमारे पास Xiaomi का मोबाइल फ़ोन है और इसके अंदर FRP लॉक लगा हुआ था। देखिए यहाँ पर जो लॉक का ऑप्शन आ रहा था वो फिलहाल तो हट चुका है। अब आगे मैं आपको दिखाता हूँ, पूरा प्रोसीजर दिखाता हूँ। ये देखिए लॉक का ऑप्शन आ रहा था वो नहीं आ रहा है, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट, ये आपके सामने लाइव प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से हमारे पास मोबाइल फोन आते हैं तो हम लोग उसको रिपेयरिंग करते हैं, और FRP लॉक को हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से।
थोड़ा टाइम लगता है और रीसेट FRP लॉक डन ओके। डुप्लीकेट आ रहा है कि नहीं आ रहा है, इसके लिए आपको कुछ नहीं सेलेक्ट करना है, फॉर्मेट रीसेट पर करना है, एग्जीक्यूट कर देना है, रीसेट FRP को ओके कर देना है। स्किप जो भी सब आते जाएंगे आप उनको इजीली ऐसे स्किप करते हुए चले जाइए। ये आपके मोबाइल फोन में फायर पे लॉक खुल गया है। तो दोस्तों मैंने आपको बताया कि जिससे रेडमी के मोबाइल फ़ोन आते हैं उसके अंदर मीडियाटेक CPU लगा होता है, तो उस मीडियाटेक CPU को हम लोग MI अकाउंट को कैसे रिमूव करते हैं, सॉरी FRP को कैसे रिमूव करते हैं उसका तरीका मैंने आपको बताया है। इसी तरीके से हमारे पास जितने भी सारे स्टूडेंट लोग होते हैं हम लोग उनको सारे डोंगल सारे सॉफ्टवेयर के माध्यम से ट्रेनिंग देते हैं, A से लेकर Z तक जो भी मोबाइल फ़ोन आते हैं सभी मोबाइल फ़ोन को रिपेयरिंग करने का तरीका बताते हैं, लाइव प्रैक्टिकल भी बताते हैं। इसी तरीके से आज मैंने आपको लाइव प्रैक्टिकल दिया कि कैसे आपके पास मोबाइल फ़ोन आएगा तो आप उसको कैसे रिपेयर करेंगे, कैसे लॉक खोल करके देंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, वीडियो में बने रहने के लिए थैंक यू। और अगर इसी तरीके से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं और ETech इंस्टीट्यूट कानपुर को ज्वाइन कर सकते हैं। ये ट्रेनिंग सेंटर जो पड़ता है ये कानपुर रेलवे स्टेशन के जस्ट नियर अबाउट है और सागर मार्केट पड़ती है, मोबाइल फ़ोन की सबसे बड़ी मार्केट है। यहाँ पर मोबाइल फ़ोन का सारा सामान, पार्ट्स, रिपेयरिंग या A से लेकर Z तक सारा इसी चीज़ का काम होता है। तो आप यहाँ पर सीखते हैं तो आपको बहुत बेनिफिट रहता है, आप घर में आके सीखते हैं और आपको इसी तरीके से लाइव प्रैक्टिकल आपको सीखने को मिलता है दोस्तों। तो वीडियो बने रहने के लिए थैंक यू।